बीजेपी और सरकार ये ज़्यादातर चुनाव लड़ रही है वो सिर्फ जातिवाद और जातीय समीकरण पर लड़ रही है। अगर आप जीतते हैं तो बाली के लिए खास करके रोडों की व्यवस्था और कानून व्यवस्था है, तो इसके बारे में आप क्या करेंगे वो थोड़ा बताइए। ऐसा है कि हम कांग्रेस के लोग हैं और NCP के लोग हैं, हम कोई एक विषय पे इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, हम 36 फॉर्म को साथ लेते हैं और विकास का इलेक्शन लड़ते हैं और कानून का राज का इलेक्शन लड़ते हैं। आपको पता है बाली में 100 लड़कियाँ लापता है घर से पिछले एक साल से, तो ये कानून की व्यवस्था कहाँ हुई? यहाँ तो पुलिस का राज और गुंडा राज चल रहा है, उसका उखाड़ फेंकने के लिए हमने पब्लिक से अपील की है और मुझे पूरी आशा है कि जनता इस राज को उखाड़ फेंकेगी और सुराज लाने के लिए हमें विकास का काम करने के लिए हमें वोट देगी। और दिनसुरी में आए दिन बड़ी बड़ी उस नाल में घटनाएं होती रहती है, तो ऐसे में उनके लिए जैसे ICU की व्यवस्था हो सकती है? आप निश्चित रहे 12 तारीख को हम लोग वहाँ विजिट करेंगे, पहली मैंने सुनी है सबके मुँह से और उसका माकूम रास्ता कर दिया जाएगा सब। और अब जीवन कला के लिए ये कॉर्नर पर है और यहाँ सबसे बड़ी दुविधा ये है बसों की, और हम लोग 170 गांव को 170 गांव को एक जैसा मानते हैं, भले लखपति हो या करोड़पति हो, हम तो जहाँ हमारे लोग रहते हैं वहाँ सब जगह जाएंगे। कुछ स्कूलों को लेकर और यहाँ PSC अस्पताल को लेकर कमी है और बड़ी क्रैम एक जगह की बात मैं नहीं करता, मेरे 170 गांव है, 170 गांव में हॉस्पिटल होना चाहिए, मेरी प्राथमिकता होगी, स्कूल होना चाहिए, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा उसके लिए हम फैक्ट्री खोल रहे हैं। पाली विधानसभा में बड़ी स्थानों को लेकर कॉलेजों की दुविधा बहुत बड़ी होती है, यहाँ पाली या फालना जाना पड़ता है, तो कुछ खोल रहे हैं हम लोग। हाँ और अपोलो हॉस्पिटल को यहाँ ला रहे हैं इन्वाइट करके।